या गाइस, तो अभी हमने एलोवेरा जेल बनाया, आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो एलोवेरा जेल बनाया मैंने, तो आप वीडियो में देखिए। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। जी हाँ, हेलो, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, आपका एक लाइक हमें और वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए आज हम क्या करने वाले हैं। आज हम एलोवेरा का जेल बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जेल कैसे बनाते हैं और इससे कुछ पैक भी बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा से चेहरे पर, बालों के लिए, मतलब बहुत सारे पैक बनाए जा सकते हैं। फेस पैक, हेयर पैक और भी, मतलब तरह तरह के उसमें कुछ मतलब मिक्स करके उपयोग में लाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, एलोवेरा जल में गुलाब जल मिला के स्किन पे मसाज भी की जाती है। जी हाँ दोस्तों, नाइट क्रीम के रूप में भी एलोवेरा को यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह चेहरे के लिए, बालों के लिए, हर चीज़ के लिए अच्छा रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो अभी हम एलोवेरा जेल बनाएंगे। जी हाँ दोस्तों, तो एलोवेरा हमने काट के रख लिया है, मतलब ले आए हैं, और इसको, इसका काटा जो है ना, इसको बाहर कर देंगे और इसके दो फाक कर लेंगे। उसके बाद इसका चाकू से ही मैं जूस निकालूंगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब उसकी जो मोटी वाली परत है ना, वो निकालूंगी। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मैं इसको भी पहले इसे काट ले रही हूँ, उसके बाद, जी हाँ दोस्तों, तो देखिए मैं इसे काट रही हूँ जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इस टाइप से चाकू की सहायता से, चाकू थोड़ा सा क्या है ना, धारी वाला है, तो फटाफट इसका मतलब जेल निकल जाएगा। और ये ऐसे कड़े कड़े रहते हैं ना, अच्छे से जेल यूज़ में नहीं आता, इस वजह से इसको मतलब अच्छे यूज़ नहीं कर पाते हैं पूरी तरीके से। इसलिए मैं इसको चाकू की सहायता से निकाल रही हूँ प्लेट में। और निकालने के बाद इसको मैं मिक्सर जार में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए अभी मैं इसमें से, मतलब फिर भी इसमें बहुत रह रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सारा है, हम ज़्यादा नहीं उसको यूज़ में लाएंगे, बस इतना निकाल लेंगे, उसके बाद छिलके कचरे में ही डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि छिलके को ज़्यादा ही वो निकालो तो नहीं निकलता ना, अच्छे से नहीं निकल पाता, इसलिए इसका जो पल्प है सब निकाल लेंगे। उसके बाद इसको हम इकट्ठा कर लेंगे। और इसमें क्या है ना, ये चाकू से मतलब कई निकाल रहे हैं ना, इस वजह से इसकी पत्ती भी आ रही है कहीं कहीं पर, तो हम उसको इसलिए छान लेंगे बारीक छन्नी से। जी हाँ दोस्तों, तो आप वीडियो में बने रहे हैं, कैसे कर रहे हैं सब हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए अभी हम इसका पल्प ही निकाल रहे हैं, और ये देखिए निकल गया है पल्प, तो हम ये आपको बता रहे हैं, इस वजह से ऐसे ऊपर कर ऐसे निकलता है। जी हाँ दोस्तों, अब इसको डायरेक्ट हम फेस पे लगाएंगे तो अच्छे से नहीं रखेगा लगेगा, क्योंकि ये क्या है ना, थोड़ा पल्प मोटा मोटा रहेगा और इधर उधर जाएगा, इस वजह से इसको हम इस टाइप से यूज़ नहीं कर पाएंगे, अच्छे से ग्राइंड करना पड़ेगा। इसके लिए हम एक जार लेंगे छोटा सा, और उसमें इसको डाल लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप बन नहीं रहे वीडियो में देखते रहिए, आपको हम सब बताने वाले हैं। तो ये देखिए मैंने मिक्सर का छोटा जार ले लिया है, और इसमें सारा पल्प मैंने डाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, तो इसको कुछ नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, बस पल्प को इसमें जार में डालना है, और उसके बाद ग्राइंड करना है मिक्सर में। जी हाँ दोस्तों, उससे क्या होगा ना, ये जो खड़े खड़े हैं ना, थोड़ा चकती टाइप है, तो ये थोड़ा सा अच्छे से लेस हो जाएगा, घूम जाएगा उसमें, तो ग्राइंड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये मैंने छन्नी लिया है, क्योंकि इसके हैंडल टूट गई है पर अच्छी है, तो मैंने छन्नी ले लिया है। अब इसमें पल्प को डालूंगी मैं, और जो भी मतलब जो पत्ती वगैरह आ गई थी ना चाकू के सहायता से, मैंने जो निकाला था पल्प, तो उसमें वो भी आ गया था हरा हरा पत्ता, तो इस वजह से मैं इसको छान रही हूँ, तो क्या है ना कि पानी पानी सब इसका जूस वगैरह निकल जाएगा। और इसको मैं फिर स्प्रे बॉटल में डाल दूँगी। जी हाँ दोस्तों, तो ऐसे मैंने मतलब ऐसे ग्राइंड कर लिया अच्छे से छाना। अब ये निकल नहीं रहा था, क्योंकि ये क्या है ना, नीचे जम जाता है पल्प इसमें छन्नी में, तो इसको बार बार उंगली की सहायता से निकाल लो, तो ये गैप छोड़ देता है, उसके बाद अच्छे से छन जाता है। तो ये सब मैंने छान लिया है, और देखिए मैं कर रही हूँ
तो आप भी अपने घर पे इस टाइप से कर सकते हैं एलोवेरा अगर है आपके पास तो। तो ऐसे मतलब देखिए निकल गया है सूखा, मतलब एकदम से वो निकल सूखा सूखा ही रह गया, पत्ती वगैरह ही रह गए, बाकी सब पल्प आ गया है बाहर जूस निकल के, ये देखिए। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उसके बाद मैं क्या करूँगी, देखिए ये सब बन के निकल गया है। अब इसमें मैं हेयर पैक भी बनाऊँगी। थैंक यू। हेलो गाइस, तो हमने एलोवेरा जेल बनाया, आपने देखा किस प्रकार से हमने बनाया। और इसके मैं भी दो हेयर पैक मतलब दो पैक बनाने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक चेहरे के लिए और एक है तो हेयर पैक बनाने वाली हूँ, जो कि मैं अगले वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, कि इसको चेहरे पे किस प्रकार से मैंने अप्लाई किया, किस प्रकार से यूज़ किया, इसमें और भी क्या क्या चीज़ें मिलाई, और एक हेयर पैक बनाया जिससे कि हेयर ग्रोथ अच्छी हो जाए और बाल भी सॉफ्ट और सिल्की हो रहे। इस वजह से मैंने ऐसे हेयर पैक भी अच्छे ताज़ा एलोवेरा जेल निकाला, उससे हेयर पैक भी बनाऊंगी और वो भी अपने वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगी, हेयर पैक बनाने का भी और अपने बालों पर अप्लाई करके भी बताने वाली हूँ। तो बने रहे हमारे चैनल पर। और फेस पैक भी बनाने वाली हूँ जो कि झाइयों के लिए हैं, तो वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो बने रहे हमारे चैनल पर और अगले वीडियो में रेमेडी आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।